हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? अच्छे होंगे। आज हम 11th 12th के मैथ के पढ़ाने के लिए इस चैनल पे स्टार्ट किए हैं। तो 11th 12th के मैथ को मैं पूरे ही बेसिक से बताऊंगी और जहां तक हो सके उसे पूरे कॉन्सेप्ट के साथ ही क्लियर कराऊंगी। तो चलते हैं आज। जैसा कि आप लोग देखे हैं, अभी हम तो यहाँ लिखा हुआ है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन, जो कि ये 12th का चैप्टर है। तो 12th के का हम सबसे पहले त्रिकोणमितीय फलन को स्टार्ट करेंगे। और कुछ दिनों के बाद, क्योंकि अभी अभी मैट्रिक का रिजल्ट आया है, तो 2 4 10 दिन के अंदर ही 11th का बैच स्टार्ट करेंगे। जो भी आपके कांटेक्ट में होंगे उन्हें जरूर बताइएगा, और जिस दिन हम स्टार्ट करेंगे उस दिन का डेट टाइम आपको दे दिया जाएगा। आप मेरे चैनल को देखेंगे और वहां से समझने का कोशिश करेंगे। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करेंगे, हम उसका रिप्लाई देने का कोशिश करेंगे। और चलिए, तो आज हम आपको त्रिकोणमितीय फलन, इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन के बारे में बताते हैं। तो इनवर्स त्रिकोणमितीय फलन में सबसे पहले आप थोड़ा सा हम देख लेंगे इसमें कि क्या है इनवर्स। प्रतिलोम मतलब होता है उल्टा, किसी भी चीज को पलटना प्रतिलोम कहलाता है। तो यहाँ त्रिकोणमिति है, तो यानी त्रिकोणमितीय फलन का उल्टा ही ये प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन कहलाएगा। त्रिकोणमिति तो आप जान रहे हैं और फलन भी आप जानते हैं, फंक्शन अगर पढ़े होंगे तो जानते ही होंगे। अगर नहीं जानते हैं तो हम फंक्शन जो है डीपली पढ़ाएंगे। पहले हम ऐसे फंक्शन को लेकर, ऐसे को चैप्टर को लेकर चल रहे हैं जो ये सारे चैप्टर में यूज होगा। कहा भी जाता है प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन को कलन में सबसे ज्यादा प्रयोग किया जाता है। अब कलन क्या? कैलकुलस। और कैलकुलस 12th का एक बेस है। लगभग 50% मार्क्स कैलकुलस से पूछा जाता है। और कैलकुलस को पढ़ने के लिए हमें त्रिकोणमिति को जानना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि वो इसका बेस है। तो हम त्रिकोणमिति फलन के सारे फॉर्मूले को समझाकर याद कराने का कोशिश करेंगे। और कोशिश ये भी रहेगा कि ज्यादा से ज्यादा फॉर्मूला रटे नहीं, क्योंकि रट कर याद करने वाला फॉर्मूला को हम लोग जल्दी भूल जाते हैं। और अगर माइंड में सेट करना है तो हम बनाकर उसे समझकर याद करते हैं तो वो बहुत देर तक याद रहता है। तो चलते हैं, देखेंगे कि हम कैसे इसके धीरे धीरे प्रतिलोम त्रिकोणमितीय फलन की ओर बढ़ेंगे। सबसे पहले हम बेसिक जो 11th में पढ़े हैं, थोड़ा सा 9th 10th में भी पढ़े हैं, उसे हम पहले बेसिक जान लेंगे, उसके बाद हम आगे कोशिश करेंगे। तो चलते हैं, देखिए यहाँ पे हम पढ़ाने जा रहे हैं त्रिकोणमितीय फलन। तो त्रिकोणमितीय फलन में 6 फलन होते हैं। जानेंगे कौन कौन होते हैं, साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, और क्या होता है कॉसेक थीटा। तो हम इसका साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कॉसेक थीटा का सारा फॉर्मूला बताएंगे। तो चलते हैं, देखेंगे इसमें मान निकालेंगे। जैसे कि आप लोग पहले भी पढ़े होंगे, क्योंकि 10th 11th पढ़कर ही 12th में आए हैं, तो उसमें है कि 0 डिग्री का वैल्यू कैसे निकालेंगे, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, सबका वैल्यू कैसे निकालेंगे। तो हम छोटा छोटा एक फॉर्मूला आपको पहले इसमें बताएंगे, उसके बाद इस पे आते हैं। हम सबसे पहले याद रखेंगे साइन थीटा इक्वल टू होता है 1 बाय कॉसेक थीटा, कॉस थीटा बराबर होता है 1 बटे सेक थीटा, टैन थीटा बराबर होता है 1 बटे कॉट थीटा। और याद रखेंगे टैन थीटा का एक इम्पॉर्टेंट जो फॉर्मूला होता है वो है साइन थीटा बटे कॉस थीटा, और फिर कॉट थीटा बराबर होता है 1 बाय टैन थीटा, और इसका एक फॉर्मूला और होता है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, और सेक थीटा का होता है 1 बटे कॉस थीटा, और कॉसेक थीटा का होता है 1 बटे साइन थीटा। ठीक है, तो इसका कहीं ना कहीं इसमें यूज करेंगे, इसलिए हम पहले ही बताए हैं। और ये आप 10th से ही पढ़ रहे होंगे,
टेंथ में भी पढ़ना था, इलेवेंथ में भी पढ़ना था, ट्वेल्थ त्रिकोणमिति तो एक बेस होती है जो कि हर चैप्टर में प्रयोग होता है, और आगे आप जहाँ तक पढ़ेंगे ट्वेल्थ के बाद बीएससी अगर किए, एमएससी की सारे में, या फिर आप कंपटीशन का कोई भी एग्जाम में अगर ट्रिगोनोमेट्री से क्वेश्चन देता है तो वो फॉर्मूला बेस ही रहता है। तो चलते हैं इसको ध्यान। अब देखिए यहाँ पर हम देखेंगे कि इलेवेंथ में एक फॉर्मूला पढ़े थे रेडियन माप, क्या पढ़े थे, रेडियन माप बराबर पाई बटे 180 गुने डिग्री माप। अब इसमें दो फॉर्मूला रखने की जरूरत नहीं है, आपको तो ये सब पता होगा कि अगर एक फॉर्मूला मालूम है तो हमें रेडियन माप बराबर इतना होता है। अगर हमको डिग्री माप निकालना है, इलेवंथ में पढ़े हैं डिग्री माप भी निकालने के लिए क्वेश्चन आता है, तो डिग्री माप को इधर ले आएंगे तो ये मल्टीपल में है, इधर आए इसको निकाल देंगे तो ये इधर आके आ जाएगा 180 बटे पाई गुणी रेडियन माप। तो हम एक फॉर्मूला ही याद रखेंगे और उससे हम दोनों फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, तो बस इतना ही। अब इसका इसको क्यों यूज किए हैं आगे आएंगे। तो देखिए यहाँ रेडियन माप को सबसे पहले हम इसमें किसका किसका वैल्यू निकालना जानेंगे, तो ये सबसे पहले 0 डिग्री का, फिर इसका 30 डिग्री, फिर 60 डिग्री, 60, और फिर सॉरी पहले 45 डिग्री का जानेंगे, फिर 60 डिग्री का, और फिर 90 डिग्री का। अब सबसे पहले अब जो है इलेवंथ के बाद, इलेवंथ से ही समझिए तो ये ज्यादातर रेडियन में ही कन्वर्ट करके क्वेश्चन बनाया जाता है, तो रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए बस एक फॉर्मूला है सिंपल सा, उसको बना लेंगे। जैसे 0 को अगर रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो ये डिग्री में दिया हुआ है, तो यहाँ 0 इंटू इतना करेंगे तो 0 इंटू इतना बराबर क्या हो जाएगा, 0, तो इसका रेडियन में 0 ही होता है। और 30 डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करेंगे तो पाई बाय 180 अगुने 30 डिग्री, ये कटेगा कितने से, 6 से, अब ये आ गया पाई बाय 6। तो इसी तरह से यहाँ पे हम 30 डिग्री को लिख सकते हैं पाई बाय 6। इसी तरह से जब यहाँ हम 45 डिग्री रखेंगे तो ये कटेगा कितनी बार में, 4 बार में, तो पाई बाय 4। अगर यहाँ हम 60 डिग्री रखते हैं तो ये कटेगा 2 बार, 60 डिग्री यहाँ रखेंगे तो 3 बार में कटेगा, तो कितना आ जाएगा, पाई बाय 3। और अगर यहाँ 90 रखते हैं तो कटेगा 2 बार में, तो ये आ जाएगा पाई बाय 2। ये सारे को क्वेश्चन को डिग्री से किसमें कन्वर्ट कर दिए, रेडियन में कन्वर्ट कर दिए, क्योंकि हमें सबसे ज्यादा अब रेडियन में ही याद रखना है क्योंकि इसका यूज ही ज्यादा होगा ट्वेल्थ में। तो चलते हैं अब हम इसका वैल्यू निकालने, हालांकि आप लोग ये वैल्यू टेंथ से ही निकालते आ रहे हैं, बहुत सारे स्टूडेंट इसको रट भी लिए होंगे, बहुत सारे बेसिक से इसको बनाना के लिए तालिका बनाने सीख गए होंगे, लेकिन फिर भी एक बार हम कोशिश करते हैं इसको बताने के लिए। रटना नहीं है, इसे बनाने सीखना है, और बनाने के बाद 2-4 बार माइंड में घुमाना है कि कौन सा वैल्यू कहाँ है, तो इससे आपको ऑटोमेटिक याद हो जाएगी। तो चलते हैं देखते हैं हम साइन का सारा का वैल्यू, जैसे 0, 30, 45, 60, 90 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे कि आराम से एक नंबर लेंगे 0, 1, 2, 3 और क्या लेंगे 4, इसको कितने से डिवाइड करेंगे, 4 से, ठीक है, और सबका रूट कर देंगे, जो वैल्यू निकल के आएगा वो साइन का ही वैल्यू होगा, ये साइन 0 का वैल्यू होगा, ये साइन 30 का होगा, ये साइन 45 का होगा, ये साइन 60 का होगा, ये साइन 90 का होगा। तो अब याद रखेंगे एक छोटी सी बात कि 0 बटे समथिंग हमेशा 0 होता है। समथिंग का मतलब क्या, कुछ भी, अगर ऊपर 0 है नीचे कुछ भी ABCD 1 2 3 4 कुछ भी डाल दे फिर भी उसका वैल्यू 0 ही आएगा, और अगर ऊपर में 1 कुछ भी है और नीचे 0 है तो इसका हमेशा वैल्यू अपरिभाषित हो जाएगा, क्या होगा, इन्फिनिटी। ऊपर कुछ भी ABCD 1 2 3 4 राधा मोहन सोहन जो भी रहे, लेकिन अगर 0 है नीचे में, 0 से डिवाइड किसी चीज में दिया जा रहा है तो हमेशा उसका वैल्यू इन्फिनिटी ही आएगा, अपरिभाषित होगा, ठीक है। इसको ध्यान रखेंगे, इसमें मिस्टेक होता है बार बार, इसको माइंड में सेट कर लेंगे। तो चलते हैं अब 0 बटे समथिंग कुछ भी है,
फोर है तो क्या होगा, जीरो व्हाट इज समथिंग जीरो, और जीरो को रूट से बाहर निकालेंगे जीरो, वन बाय फोर को रूट से बाहर निकालेंगे वन बाय टू, ये देखिए कटेगा, जो कटता है उसको काट देंगे, अब ऊपर वन और नीचे रूट से बाहर टू निकलेगा नहीं तो रूट टू, ये रूट थ्री, और चार को रूट से बाहर निकालेंगे तो दो आ जाएगा, ये चार से चार कटेगा, रूट वन का वैल्यू वन होता है, ये हमारा सारा वैल्यू साइन का निकल के आ गया, साइन जीरो का वैल्यू जीरो, साइन तीस का वैल्यू वन बाय टू, साइन पैतालीस का वन बाय रूट टू, साइन साठ का रूट थ्री बाय टू, और नाइन्टी का बस। ये पूरा तालिका इसी पर निर्भर करता है, ये आपको याद करने की जरूरत नहीं थी, अगर दो चार बार आप अपने से जैसे हम लिख कर बनाए हैं अगर आप रफ में यूज कर लेंगे तो ये ऑटोमेटिक माइंड में सेट हो जाएगा, और एक बार अगर सेट हो गया तो ये अब पूरे लाइफ आप नहीं भूलिएगा। फिर अब हम देखते हैं कॉस थीटा कैसे निकालेंगे, तो सिंपल सा है, कॉस थीटा को क्या करना है, बस इसको पीछे से पकड़ना है और इधर से लिखते चला जाना है, देखिए वन रूट थ्री बाय टू, वन बाय रूट टू, वन बाय टू, और कितना जीरो। अब चलते हैं टैन थीटा, अब यहाँ हमें साइन भी मालूम हो गया कॉस भी मालूम हो गया, तो टैन थीटा का एक सिंपल सा फॉर्मूला बताए है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा यूज कर देना है उसको, तो देखेंगे यहाँ हम जब साइन थीटा बाय कॉस थीटा यूज करेंगे तो जीरो बटे वन, अभी आपको बताए थे जीरो बटे समथिंग क्या होता है जीरो, जीरो हो गया, अब इसको इतना बटे इतना करेंगे टू से टू कटेगा वन बाय रूट थ्री बचेगा, ये भी पूरा कट जाएगा वन बचेगा, टू से टू नीचे का कटेगा कितना बचेगा रूट थ्री बाय वन यानी रूट थ्री, अब यहाँ देखिए वन बटे जीरो आ गया, वन बटे जीरो आपको इन्फिनिटी बताए थे आ पड़ी बस, ठीक है। अब कॉट थीटा निकालना है, तो कॉट थीटा में या तो हम फॉर्मूला यूज कर सकते हैं कॉट थीटा बराबर कॉस थीटा बटे साइन थीटा, ये भी हमें मालूम है कॉस थीटा बटे साइन थीटा, या फिर दूसरा तरीका ये है कि हमें टैन थीटा भी मालूम है, तो वन बटे टैन थीटा, टैन को पलटते जाएंगे इसका वैल्यू आ जाएगा, और एक और तरीका क्या है कि बस इसका पीछे से पकड़ना है और इसमें लिखते चला जाना है, तो इन्फिनिटी रूट थ्री वन वन बाय रूट थ्री जीरो, शायद यहां तक आपको समझ में आ गया होगा, कोई भी प्रॉब्लम हो इसमें, कोई भी प्रॉब्लम हो आपको समझने में तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं, कहां क्या प्रॉब्लम है, कोशिश करेंगे उसको फिर से समझाने का कभी, और ये तो प्रोसेस अभी चलेगा ही, फिर इलेवेंथ का बैच स्टार्ट करेंगे तो उसमें भी हमें पहले यही बताना है कि बेसिक, क्योंकि यही है टेंथ के बाद तो जितने में पढ़ना है बेसिक पहले ये है, और जब तक ये नहीं याद रहेगा आगे का कोई भी क्वेश्चन बनेगा नहीं, तो आप लोग ये चीज को माइंड में सेट कर लीजिए कि इसको याद करना ही है, कैसे करें वो आपकी जिम्मेदारी, या तो रटकर, बहुत सारे स्टूडेंट रटने में माहिर होते हैं वो रट लेंगे, लेकिन देखिए रटने का कितना रटिएगा, त्रिकोणमिति में बहुत ज्यादा फॉर्मूला है तो कितना रटिएगा, तो आप कोशिश करें समझने का, मान लीजिए कि आप रटकर गए एग्जाम में, आपको कोई प्रॉब्लम मतलब कि माइंड में नहीं आ रहा है, कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या सही था क्या गलत था, तो क्या करना है, आराम से निकालना है एक सिंपल सा चीज और उसमें बैठा देना है, अब एक लाइन अगर आया तुरंत माइंड में सेट आते जाएगा अच्छा ये था, बना लेंगे। तो चलते हैं अब हम आगे का भी देखेंगे sec theta का, तो sec theta आपको अभी एक फॉर्मूला लिखा है वन बटे cos theta जो आप टेन से पढ़ते आ रहे हैं, तो cos मालूम है तो sec भी मालूम हो जाएगा, देखिएगा उल्टा करना है, अभी वन है इसके नीचे कुछ नहीं है यानी क्या है वन है, उल्टा भी करेंगे तो वन ही आएगा, अब ये है रूट थ्री बटे टू, इसको उल्टा करेंगे तो क्या आ जाएगा टू बाय रूट थ्री, फिर देखिए यहाँ पे वन बाय रूट टू है उल्टा करेंगे रूट टू बाय वन यानी रूट टू, ये वन बाय टू है इसको उल्टा करेंगे तो टू बाय वन यानी टू, अभी ध्यान से देखेंगे यहाँ मिस्टेक करते हैं, जीरो बटे वन है, जीरो बटे समथिंग था तब जीरो आया था, लेकिन अभी जब इसको उल्टा करेंगे तो आ जाएगा समथिंग बटे जीरो, तो समथिंग बटे जीरो कितना होता है इन्फिनिटी, कितना होता है इन्फिनिटी। आगे का देखेंगे
कोसेक का भी वही साइन का जस्ट उल्टा होगा, तो साइन का जस्ट उल्टा करेंगे, अभी ये है जीरो बटे वन, अगर इसको उल्टा करेंगे तो वन बटे जीरो आ जाएगा, वन बटे जीरो क्या बताए थे, इन्फिनिटी, यहाँ इन्फिनिटी। हाँ, या तो एक और चीज बता रहे हैं, या तो आप साइन का उल्टा करते जाइए, या तो सिंपल सी है, इसको पीछे से पकड़िए और लिख लीजिए, आपको जो आसान लगे। तो अभी तो उल्टा भी आप करेंगेगा, देखिए इसको उल्टा करेंगे टू बटे वन आ जाएगा, यानी टू, इधर भी जब ये लाइन यहाँ था तो टू ही आता, अब देखिए वन बाय रूट टू है, अगर उल्टा करेंगे तो रूट टू बटे वन यानी रूट टू, अभी भी जब इसको अलाएंगे तो यही आएगा, यहाँ पे इसी तरह से टू बाय रूट थ्री आ जाएगा और यहाँ क्या आ जाएगा तो वन आ जाएगा, देखिए यहाँ वन बटे वन है, उल्टा भी करेंगे तो वन बाय वन ही आएगा, तो वन आ गया, ये हमारा सारा तालिका तैयार हो गया। अब इस तालिका को बेस समझिए, इस फेस इसको याद करने के बाद हम जो आपको बताएंगे, इसके बाद जो बताएंगे वो आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होगा।